हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट नोटबुक। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको फर्दर अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सके और आप टाइमली वीडियोस को देखकर बेनिफिट ले सकें। सो टारगेट गेट एंड यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस, इसके तहत आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड ऑन डिमांड टॉपिक लेकर आए हैं हम आप सभी के सामने, और जिसका नाम है प्लेनर ग्राफ्स। सो सबसे पहले बात कर ले तो प्लेनर ग्राफ्स ग्राफ थ्योरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन प्लेनर ग्राफ्स विद इन 10 seconds। यस गाइज, आप इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो को देखकर 10 सेकंड्स के अंदर प्लेनर ग्राफ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि गेट एंड यूजीसी नेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी को सॉल्व कर लेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज प्लेनर ग्राफ एंड व्हाट इज नॉन प्लेनर ग्राफ। जब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे देन आप आसानी से इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। प्लेनर ग्राफ का मतलब होता है कंप्लीटली दोनों के दोनों ही एजेस एंड वर्टिसेस, ठीक है, इन दोनों के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं। अगर कोई भी एज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, क्रॉस करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये नॉन प्लेनर बन जाते हैं। प्लेनर मतलब प्लेन, प्लेन मतलब जहां पर कोई भी इंटरसेक्शन ना हो, कोई भी क्रॉसिंग ना हो। एज यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एजेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट एज प्लेनर ग्राफ। बट हियर यू कैन सी ये यहाँ पर कितने सारे जो वर्टिसेस, जो एजेस हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल इट एज नॉन प्लेनर ग्राफ। बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां पर कुछ नॉन प्लेनर ग्राफ्स होते हैं, जिसको भी हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं। अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से फॉर्मूलाज को फॉलो करना चाहिए और उन फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आई थिंक आप लोग बिल्कुल रेडी होंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सिंपल लॉजिक टू चेक प्लेनरिटी ऑफ ग्राफ। या ये आप सभी के डिमांड की टॉपिक है, आप सभी ने कमेंट में कहा था, इसलिए जल्द से जल्द आप सभी के डिमांड पर अपलोड किया गया है कि वो कौन से लॉजिक्स हैं, ठीक है, जिनका यूज करके बहुत ही आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर प्लेनरिटी है। तो यहाँ पर दो फॉर्मूलाज यूज होंगे, ठीक है, फॉर्मूलाज कितने यूज होंगे, दो, क्लियर, एक ये है तो दूसरा ये है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि कम्प्लीटली यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है एजेस एंड वर्टिसेस पे, तो फॉर्मूला भी आपका इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एजेस एंड वर्टिसेस को हमने ई एंड वी से डिनोट किया है। जहाँ पर एक पॉइंट याद होना चाहिए आप सभी को कि कोई भी ग्राफ प्लेन है या नहीं है, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है लूपिंग पे, ठीक है। वहाँ पर मैंने कहा था कि वहाँ पर सारी तरीके से हम देख रहे थे ग्राफ जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉसिंग एक तरीके से लूपिंग को डिनोट करता है, ठीक है। तो लूपिंग हो रही कि नहीं हो रही है, ये कम्प्लीटली आपको याद रखना है कि कभी भी एक वर्टिसेस या फिर दो वर्टिसेस पे नहीं हो सकती। लूपिंग के लिए मिनिमम 3 वर्टिसेस का होना ज़रूरी है और उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्लियर है। क्योंकि दो होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, केवल ज्वाइन हो सकते हैं, और सिंगल तो कभी हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पर आप यह देख रहे होंगे, यहाँ पर भी हमने वर्टिसेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिया है, और सेकंड वाले जो फॉर्मूला है वहाँ पर भी वर्टिसेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ही लिया है। पहला पॉइंट क्लियर है आपको, दोनों ही केसेस में ये पॉइंट होना ही चाहिए। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, तो प्रायोरिटी आपको हम पहले यहाँ पर इसको देंगे, पहला फॉर्मूला है, पहला हमने इसको इसी लिखा है क्योंकि इसको हम प्रायोरिटी देंगे, एंड देन जब हमारा वो रूल फॉलो नहीं होगा देन हम दूसरे फॉर्मूले पे आएंगे, क्लियर। अब अगर किसी भी ग्राफ में सर्किट बन रहा है, सर्किट मतलब जब आपके वर्टिसेस एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करें पूरी तरीके से, ठीक है, तीनों के तीनों वर्टिसेस से कनेक्ट होते हुए जो नोड्स, जो आपके एजेस हैं
वो एक मिलकर सर्किट क्रिएट कर रहे हैं, देन हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और अगर कोई सर्किट नहीं बन रहा है, ठीक है, तब हम सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए, सर्किट बनाने के लिए लूपिंग होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर थ्री को हम इम्पोर्टेंस देंगे। कौन से वाले फॉर्मूले में? फर्स्ट वाले में हम किसको इम्पोर्टेंस देंगे? थ्री को। तो ये हियर यू कैन सी ई इज लेस देन इक्वल टू, एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो हमारे एजेस होते हैं ना वो वर्टिसेस से हमेशा कम होता है। याद रखने के लिए एक सिली सा टिप्स आपको देना चाहूंगी, ई का अगर मैं बात करूँ अल्फाबेटिकल सीरीज में कम वैल्यू होता है, 5 होता है। वही वी की बात करें तो उसका अल्फाबेटिकल सीरीज में कितनी वैल्यू होती है? 21 होती है। मतलब ई वी से छोटा है, ये पॉइंट याद रख सकते हैं। सो ई इज लेस देन इक्वल टू, अब मैंने कहा कि 3 को इम्पोर्टेंस देंगे फॉर्मूला नंबर 1 में, सो 3v-6। अब 3 भी 3 का मल्टीपल है, 6 भी आपका 3 का मल्टीपल है। सो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला। नाउ नो सर्किट रहेगा तो इसका मतलब कि 3 लेंथ नहीं होगी। 3 से 1 कम क्या होता है? 2 होता है। 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 एंड 4 होगा, वही है। सारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस 2v-4 हो जाएगा। अभी भी अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आगे आप सभी के लिए मैंने प्रॉब्लम्स भी रखे हैं ताकि आप उसको देखें और आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सो देखिए, यहाँ पर हमें चेक करना है ये पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में कि क्या ये ग्राफ प्लेनर है या नहीं। क्लियर है? सो यहाँ पर एग्जामिन कीजिए कि क्या ये ग्राफ प्लेनर है कि नहीं। तो इंटरसेक्शन पे डिपेंड करता है। यस, हियर यू कैन सी, ये हमारे एक नोड वर्टिसेस, ये हमारे एक वर्टिसेस, क्या ये एक दूसरे को मिलाकर सर्किट बना रहे हैं? एब्सोल्युटली बना रहे हैं, है ना। जब सर्किट बना रहे हैं तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3v-6, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। नाउ हियर वी हैव टू काउंट कि कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 4 वर्टिसेस हैं। एजेस कितने हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एजेस है, बन गया ना। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो कितने मिलकर सर्किट बना रही है, 3 मिलकर बना रही हैं, है ना। दैट इज वाई ये वाला रूल अप्लाई होता है और फॉर्मूला नंबर 1 हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर यही फॉर्मूला है, E इज लेस देन इक्वल टू 3v-6। और आप यहाँ पर V की वैल्यू पुट कीजिए तो क्या होगा? E की वैल्यू क्या है? 6 है। लेस देन इक्वल टू, वी हैव टू चेक V की वैल्यू क्या है, 3 × 4-6, है ना। नाउ 6 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा माइनस 6, एंड 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, मतलब ये अप्लाई हो रहा है। दैट इज वाई ये वाला ग्राफ जो है वो प्लानर है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर अगेन वी हैव टू चेक ये ग्राफ प्लानर है या नहीं। अगेन हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, यस, ये हमारा एक सर्किट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और सर्किट क्रिएट कर रहा है तो हम पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगेन हम पहला वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या था? E इज लेस देन इक्वल टू 3v-6, वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। नाउ वर्टिसेस यहाँ पे कितने हैं? यू कैन काउंट हियर, दिस इज 8 एंड दिस इज 8, 4, सो 4 + 4 becomes 8। नाउ एजेस कितने हैं? यू कैन काउंट हियर, 12। बस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ई की वैल्यू आपकी है 12, ओके। लेस देन इक्वल टू 3 × v की वैल्यू 8 है माइनस 6, क्या हो जाएगा? 12 इज लेस देन इक्वल टू 24-6, 12 इज लेस देन इक्वल टू 18। एब्सोल्युटली 12 जो है वो 18 से लेस है और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है और यहाँ पर वैल्यू भी जो आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है, तो ये पर्टिकुलर ग्राफ प्लानर है। आई होप सेकेंड क्वेश्चन ने आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दिए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, अगेन यू हैव टू चेक आउट वेदर द ग्राफ इज प्लानर और नॉट, ग्राफ प्लानर है या नहीं। सो यहाँ पर क्या सर्किट बन रहा है या नहीं। सो आप कहीं भी किसी भी नोड पे जाएंगे, नोड जिसको मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया है वही आपका नोड है और वही वर्टिसेस है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जहाँ पर अगर ऐसा यहाँ पर होता तो ये बन जाता, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं, यह कोई सर्किट नहीं बना रहा है। जब सर्किट नहीं बना रहा है तो हमें क्या करना होगा? फॉर्मूला नंबर 2 को अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता था? ये कहता था E इज लेस देन इक्वल टू 2v-4, यही फॉर्मूला था। जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्म आंसर। नाउ वर्टिसेस यहाँ पे कितने हैं? तो ये रहा 2, ये रहा 2 एंड ये रहा 2, 2 × 3 becomes 6,
नाउ आगे हम बात कर ले ई कितना रहा, अब काउंट करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। नाउ 2v-4 हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8, और यहाँ पर e की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की थी 9। क्या 9 लेस देन इक्वल टू 8 है? नहीं है। जब नहीं है तो ये हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आया है, एंड दैट इज वाई ये प्रूफ हो चुका है कि ये नॉन प्लानर ग्राफ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको चेक करना है वेदर द ग्राफ इज प्लानर और नॉट। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या यहाँ पर सर्किट क्रिएट हो रहा है। यस एब्सोल्युटली 1, 2, 3, और ये इस तरीके से एक सर्किट को क्रिएट कर रहा है। अगेन मैं इसकी भी बात कर लूँ, यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर एब्सोल्युटली हम कन्फर्मली कह सकते हैं सर्किट तो बन रहा है, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 ही अप्लाई होगा। अगेन वी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे 5 आएगा आपका, और ई को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 10 आएगा, क्लियर है। बस हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ई इज लेस देन इक्वल टू 3v-6, ई की वैल्यू 10 है और वी की वैल्यू 5 है, 5 × 3 इज 15, 15 - 6 इज 9, 10 इज लेस देन इक्वल टू 9, नो ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट इज वाई अगेन इट विल बिकम नॉन प्लानर ग्राफ। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करना बनता है, एंड डेफिनेटली शेयर भी जरूर करें, ताकि इस तरीके के बेहतरीन ट्रिक्स और फॉर्मूलाज लोगों तक पहुंचे और इजीली वो इन कॉन्सेप्ट को समझकर अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।